हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडे की भुजिया, बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग तरीके से। ये मैंने प्याज काटा हुआ है, बारीक प्याज, बिल्कुल एक प्याज काटा है बड़ा सा बारीक से। फिर उसके बाद मैंने ऑयल डाला हुआ है और जो आलू है मैंने इसको कुछ इस तरीके से काटा हुआ है, बारीकी से काटा हुआ है मैंने, बहुत बारीकी से, ताकि आलू कच्चा ना रह जाए। तो जब मैंने प्याज डाला, आलू और प्याज को हम एक साथ ही पकाएंगे ताकि आलू जो है बिल्कुल भी कच्चा ना रहे, क्योंकि हमें भुजिया बनाना है तो एटलीस्ट आलू तो पकना पड़ेगा। तो इसलिए धीमी आंच पे इसको हम ऐसे छोड़ देंगे और साथ साथ ही प्याज भी नरम होता जाएगा और हल्का ब्राउन होता जाएगा और साथ साथ आलू भी पकता हुआ जाएगा। तो इसको मैं अभी ऐसे ही इसको पकने दे रही हूँ धीमी आँच पे, कम से कम 5 से 7 मिनट तक हम इसको पकने देंगे ऐसे ही। तो एक बार चेक कर लेते हैं, ये देखिए काफ़ी अच्छे से कुक हो गया है, मुझे जैसा चाहिए था ये वैसे ही हो रखा है, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से ये पक गया है, क्योंकि हमें इसको कुरकुरा नहीं करना है बिल्कुल भी, इसको हमें सिर्फ पकाना है जैसे हम सब्जी पकाते हैं। मैंने यहाँ पे 3 अंडे ले लिए, आपकी मर्जी, आप कितना भी ले लो, आपके फैमिली मेम्बर के हिसाब से बनाइए आप, मैंने अपने फैमिली मेम्बर के हिसाब से बनाया है। तो मैंने यहाँ पे 3 अंडे ले लिए, हम 2 लोग हैं तो इसलिए ज़्यादा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो 3 अंडे मैंने डाल दिए। अब बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालना है, याद रखिएगा, क्योंकि आलू भुजिया है, आलू भुजिया में मसाले बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। तो इसमें हम नमक डालेंगे और ब्लैक पेपर डालेंगे आधा चम्मच, और उसके बाद थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे कलर के लिए, बस इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं डालेंगे। और इसको तो साथ हम इसमें डालेंगे धनिया, ठीक है, अब इसको भी हम फेंट लेंगे अच्छे से। आप ग्रीन चिली काट के डालिएगा, मेरे यहाँ पे नहीं खाते इसलिए मैंने नहीं डाला हुआ है। तो अब इसमें ये डाल देते हैं, थोड़ी देर इसको ऐसे ही फैला के छोड़ देंगे, चलाएंगे नहीं अभी हम इसको, थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे छोड़ दीजिए, थोड़ी देर ढक के रख देंगे। तो ये देखिए, अब इसको हम इस तरीके से मैश करेंगे धीरे धीरे, ताकि हाँ चीज है चीज, तो इसको हम अच्छे से चला लेंगे। तो गाइस देखिए, भुजिया बिल्कुल रेडी है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से बनकर रेडी हो गया है, ये रहा रोटी और ये रहा अंडे का और आलू का भुजिया। ऐसे बनाइएगा तो रात के डिनर में, जैसे हमें समझ में नहीं आता सब्जी क्या बनाए, तो आप ऐसे बना के खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।